फिर देखो मैं आज आ गया फिर से साइकिलिंग करने, हर हफ्ते लगभग साइकिलिंग करने आ जाते हैं, तो यहाँ से भी पूरा खेत भी दिख रहा है। अभी ठीक ठाक रोशनी आ गई, अब यहाँ से स्टार्ट होगा अच्छा असली खेत आना ना। तो चलो जब आएगा ना तब मैं दिखाता हूँ। तो अभी दोनों पार्टनर तो हमारे आगे चल रहे हैं, उन दोनों में लाल बत्ती जल रही है, वो देख सकते हो वहाँ पे ना सामने क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। और हमें वेज गाम जाना है, तो इस तरह से हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा शायद, पिछली बार शायद हम राइट लेंगे ले गए थे। हाँ चलो इस बार भी, फिर से इस बार भी राइट जा रहे हैं, चलो इस बार भी राइट जा रहे हैं, तो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं मिलते हैं। वैसे लेफ्ट में भी गए थे पहले, इस बार राइट जा रहे हैं हम। आ गए गांव की तरफ से, और ये एक गाँव आ गया, तो गांव इस तरफ है बट हम इस तरफ जा रहे हैं जैसे कि बाहर चले आए। तो गांव के बीचों बीच अभी और भी गांव आएंगे जो बिल्कुल छोटी छोटी गली होगी। तो मैंने देखो मैंने गोप्रो इसी चीज़ के लिए लिया है, देखो यहाँ नज़ारे जो मिलते हैं ना खेतों के, तीसरी आंख से मेरी, मैंने बिल्कुल बीचों बीच में ला रखा तो तीसरी आंख बन गई मेरी है। तो देखो ये लगे हुए थे नहीं, मेरे को तो खेत ज़्यादा मेरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते खेत किस चीज़ के हैं। सर ये किस चीज़ के खेत होंगे लेफ्ट वाला? ये तो खैर छोटा सा ही है ना, क्या है खिलाते हैं ना भैंस वगैरह? अच्छा भैंस वैंस को चारा खिलाने के लिए। अच्छा बाकी अभी कॉटन के भी आते हैं अभी। अच्छा ये कुछ काट रखी ना फसल, जैसे वो बचपन में हम ड्राइंग नहीं बनाते थे ऐसे ऐसे टाइप के, तो हट बनाते थे फिर वो सूरज हो गया वहाँ से उगरा सूर्य भगवान, अभी दिख जाएगा है। अच्छा ये सौंप लगी हुई है, हाँ खुशबू आ रही है सौंप की ना, ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा और सांप पीछे, पीछे सूर्य भगवान है और ऊपर चंद्रमा है। देखो ये, देखो ये भी खेत क्या मतलब। और अभी हमें ठंड भी लग रही है इस रोड में, तो ज़्यादा ही ठंड लग जाती है, और अभी कपाने वाली ठंड टाइप लगने वाली है। दीपक भाई को लग रही होगी ठंड, वो बिल्कुल हाफ़ टी शर्ट में है, बिल्कुल हाफ़, वो भी कॉटन वाली पतली बिल्कुल टी शर्ट, और मैं तो क्या पजामे और ट्रैक सूट में आ रहा हूँ। सर ने भी ऊपर तो पहन रखा है लेकिन सामने जो है निक्कर में ही है। पैर में तो सर लग रही होगी ठंड बहुत ज़्यादा, अब कपाने वाली ठंड टाइप होगी थोड़ी सी अगर बाइक चलाएंगे ना तेज़ी से, तो अभी तो हम धीरे चला रहे हैं। तो देखो ये कितना खेत, मतलब पूरे कह सकते हैं बिल्कुल एंडलेस खेत आ गया। मेरे को तो ज़्यादा खेत वेत का आइडिया नहीं है मेरे गांव में, असल में क्या मैं उत्तराखंड से हूँ तो वहाँ पहाड़ होते हैं। हम अपने भी गांव गए नहीं, मैं शहर भी पला बड़ा रहा, बट ये है खेत, खेतों खेत खेत के, और बिल्कुल ये भी शहर से जो सटे हुए खेत है ना वो है। तो देखो यहाँ साइकिलिंग करने का अलग मज़ा होता है, देखो वहाँ पर मुझे लगता है कॉटन का होगा, कॉटन के तो मैंने देखा है मेरे देहरादून में ना। तो ये जंगल है यहाँ बगल में, यहाँ खेत, ये ट्यूबवेल और बना रखा है, तो ऐसे ऐसे नज़ारे कहीं नज़ारे दिखेंगे भी आते धीरे धीरे ना। तो इसको मैं फास्ट में दिखाऊं या कैसे दिखाऊं, मेरे को भी यहाँ पे भी खेत है, यहाँ थोड़े से एक नदी टाइप है तालाब वाला बन जाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए नहीं जंगल हो गया, बट बाकी यहाँ तो इस तरफ है खेत। और अभी ठंड लग रही है काफ़ी, मैंने तो हाथ अपने दोनों ट्रैक सूट के अंदर रख लिया। और अभी एक खेत और आगे, पता नहीं किसके हैं, गन्ने जैसे लग रहे हैं लेकिन गन्ने के नहीं है किसी और के, तो ये तालाब जैसे बना हुआ जैसे मैं कहता था ना, मैंने बताया था ना तालाब जैसा। पीछे से बाइक रही है, देखो पीछे सूर्य भगवान है, पीछे से बाइक आ रही है, यहाँ तो बाइक वाइक भी कम ही आती है, हम ही चल रहे हैं बस। अच्छे गन्ने जैसे लग रहे बट शायद गन्ने नहीं है, आप आइडेंटिफाई करके कमेंट करके बताना क्या है ये, कौन से खेत है ये मेरे लेफ्ट साइड। ये भाई भी देखो एक हाथ उसमें, एक हाथ उसमें ट्रैक में, ट्रैक सूट में, और एक हाथ से चला रहे बैठ, क्योंकि ठंड लग रही है। और राजकोट में इतनी ठंडी है नहीं, अभी फरवरी का टाइम है लगभग, बट यहाँ गांव के साइड थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है क्योंकि ओस ओस की वजह से, ये खुला मैदान है। ओ क्या नज़ारा है, सूर्य भगवान भी बड़ा सही दिख रहा है ना यहाँ से, लेकिन मैं ज़्यादा देर ना दिखा नहीं सकता पीछे करके ना, इसी तरफ ही ज़्यादा खेत आते हैं ना, बाकी अभी आएंगे आगे भी, लेकिन ये वाले खेत ज़्यादा सही लगते हैं। एक तो ठंडा ठंडा भी फील हो रहा होता है, फिर बाद में क्या गर्म गर्म हो जाता थोड़ा।
मैं तो यहाँ पे लगा रही हूँ, अभी हाथ तो ठंडे तो हो गए। मैं तो अभी दोनों खाली हाथ से चला रहा हूँ भाई। तो ये एक और खेत आ गया, ये पता नहीं कौन से खेत है। तो सर कह रहे भाई हाथ पकड़ के चलाओ। हाँ हाँ, गिर गए तो दर्द होगा, क्योंकि ठंड है ना भी। बट अपन हैवी ड्राइवर है यार, सर को क्या पता। ये देखो एक और ट्यूबवेल आ गया। ये मतलब ये पूरी जगह रोड ही, मतलब खेत ही खेत है, बड़ा सही नज़ारा है यहाँ के। बिल्कुल गांव में आ गए, बिल्कुल अच्छे से हो रखे, बिल्कुल जैसे कैसे डिज़ाइन बनाया ऊपर से ना। गेहूँ के खेत है ये। ओके ओके, तो ये गेहूँ के खेत है। आपको तो सर आइडिया होगा ना क्या कौन से खेत की। ये देखो ये बाउंड्री लगा रही है यहाँ पे ना बंदे ने, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। बस इतना ध्यान रखना पड़ता गाड़ी का ना, गाड़ी आएगी अपना अपना आके चले जाएगी, हॉर्न भी बजा देती है। अपन को क्या ज़्यादा खुराफाती भी नहीं करनी, अपना सिंपल साइकिल चलानी है। बट ना ज़्यादा तेज़ चलानी है ना सिंपल चलानी है, हाई फाई नहीं करनी है। कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो पहले गाड़ी को जाने देने का है, अपने इंडिया में तो ऐसी ही है। ये भी देखो वहाँ से देखो सूरज की रोशनी ना बड़ी सही आ रही है यहाँ से ना। पर ये नज़ारा है जो ज़्यादा दिखाने लायक है ना मेरे से। आपको भी मन की शांति होगी होगी दिखते हुए नज़ारा। वहाँ बड़े बड़े पेड़ है, जंगल टाइप बना हुआ है, आराम से साइकिल। और साइकिल भी मेरी मस्त है, मतलब क्या बताऊँ, आराम से चलाने में मज़ा आ रहा है। पीछे से एक और आ रहा है, और बहुत ही धीमी वॉल्यूम में गाने लगा रखे हैं। और सुबह सुबह का समय है और ठंड सी हो रही है, अभी अभी बस सूरज निकला। और तीन बंदे साइकिल में, आप समझ सकते हो कैसा माहौल हो रहा होगा, कैसा फील आ रहा होगा। मन की जो शांति के लिए लोग, बहुत लोगों को मन की शांति मिल जाती है। मन की शांति तो ऐसी मिल जाएगी आपको अगर रोज़ साइकिल चला लो या अपना पैदल ही चल लो, उससे भी डिप्रेशन कम हो जाता काफ़ी पैदल चलने से। फिर भी हम सिंपल चीज़ नहीं करते। चलो फिर जी सर सोए। और देखो यहाँ पे देखो क्या सूरज लग रहा है भाई साहब। अगर आप लोगों ने सूर्य उदय होते नहीं देखते तो यहाँ देख लो। बढ़िया बढ़िया नज़ारा भाई। और वहाँ गांव है, गांव दिख रहे होंगे तो दिख ही रहोगे मेरे ख्याल से। यहाँ थोड़ा बंजर ज़मीन आ गई है लेकिन वो सूर्य बड़े अच्छा लग रहा है, आंखों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही। और ऐसी रोशनी को देखना चाहिए, ऐसी सूर्य की रोशनी का सुबह सुबह, एक शाम के टाइम देखे हो तो आंखें बढ़िया रहती है। तो अभी बंजर ज़मीन आ गई, अब गांव आएगा, गांव का नज़ारा दिखाऊंगा। आगे ये एक और गांव आ गया, तो ऐसे कई गाँव दिखेंगे हमें। तो गाँव की एंट्री आ गई यहाँ से पतली, और यहाँ पर भी देखो रोड कितनी बढ़िया है। पर अभी गाड़ी गई यहाँ से और ऊपर नीचे यहाँ पर भी हो रहा, कभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे रोड है। फिर देखो गांव के बीचों बीच जा रहे हैं अपन, राजकोट के थोड़ा बाहर आउटर एरिया में गांव एक। सोनाली का ट्रैक्टर, अभी गांव की लाइफ अभी शायद स्टार्ट नहीं हुई, अभी सब सो रखे हैं, लगभग आधी जनता सो रखी है। इधर जाना है? अच्छा हमें लेफ्ट जाना है, तो गांव तो ये है तो अभी हमें लेफ्ट जाना है। ये देखो एक नदी, ये न्यारी डैम आ गया, न्यारी नदी आ गई है, पुल आ गया। और ये काला काला दिख रहा है आपको, तो उसकी लेयर बनी हुई है वहाँ तक गहरी है, ऐसा लग रहा है बादल बन गए, एक आर्टिफिशियल बादल। और ये भी एक देखो, ये नज़ारा देखो यहाँ से, यहाँ से इस तरफ का देख सकते हो आप। ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है ऐसे एंगल होल्ड करना, क्योंकि मेरे को आगे भी देखना पड़ेगा ना। लेकिन भाई बढ़िया ही नज़ारा, तो बिल्कुल नदी के बीचों बीच जा रहे हैं, वो तो अच्छा है पोला पानी।
यहाँ पता नहीं मगरमच्छ भी होते होंगे ना उतने, शायद ही होते होंगे। नहीं नज़ारा बहुत बढ़िया भाई साहब। अब थोड़ा ख़राब रोड आ गई बट, तो ये तो हो गया। अब ये आ गया हम न्यारी के नदी के बिल्कुल आसपास की जगह है, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं जंगल सा हो रखा है। और ये देखो ये फोटोग्राफर है यहाँ पे, तो फोटोग्राफर भी यहाँ पे ना चिड़िया की फ़ोटो लेने आ रखे हैं देखो सुबह सुबह। और फोटोग्राफी में काफ़ी पेशेंस चाहिए, तो बंदा अभी देख रहा है कि कब मैं फ़ोटो लूँ सामने। ये देखो ये बंदा बैठा हुआ है, तो ये अपनी फैशन को फॉलो कर रहे हैं अभी। तो यहाँ अगल बगल हम जंगलों के बीचों बीच चल रहे हैं अभी, बाय भी लेफ्ट भी जंगल है राइट भी जंगल है और सीधी सीधी रोड। तो देखो सूर्यदेव दिख रहे हैं यहाँ से ना, तो बहुत अच्छा नज़ारा है। अभी हम जो सीधे सीधे आए थे ना, तो यहीं पे एक जगह है, तो पिछली बार भी हमने यहीं पे हॉल्ट करा था, यहीं पे रुके थे चाय पीने के लिए, तो इस बार भी हम चाय पीने के लिए रुक रहे हैं यहाँ पे। तो ये सीधी जगह रोड थी, तो मैं अभी चलता हूँ चाय पीने के लिए। और ये देखो यहाँ से धूप जो है ना बढ़िया नज़ारा है भाई साहब। तो ये है देखो यहाँ चाय के लिए रुक गए अपन, सर गर्मी लेने चलेगा धूप की। हाँ ताऊ जी बैठे हैं, देखो ये अंगारे अंगारे की गर्मी ले रहे हैं, क्या बोलेंगे इसे, अंगारे बोलेंगे। ये चिमनी जिस इसी में चाय वाय बनती है, अंगेठी ना। हाँ और यहाँ देखो धूप, और यहाँ ताऊ दोनों चिल मार रहे हैं, ताऊ जी कुछ कह रहे हैं। तभी गाठी और चाय खाएंगे अभी, आराम से इंजॉय रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर अपन चलेंगे। आज मुझे स्टैंड नहीं लेकर आया जल्दबाजी में ना। अभी थोड़ा गाड़ी वाड़ी आने लग गए, देखो यहाँ से दूर सूरज सही दिख रहा है यहाँ से भी, पहले तो बहुत नीचे था ऊपर आ गया ना काफ़ी। अभी हमें सीधा सीधा जाना है अपन को, अभी भी मेरे को आंख में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही सूर्य की किरण देख के, मतलब ज़्यादा तेज़ सूरज नहीं आया अभी। और यहाँ किसी की इंडस्ट्री बनी हुई, अपना झूला लगा रखा बंदे ने। एक गांव और आ गया, गांव के अंदर आ गया शिव द्वार गांव बना हुआ था, कुत्ते लोग आराम से बिल्कुल अभी चिल मार मार रहे अपना। और यहाँ गायों के लिए ना ये पानी पानी भरा हुआ है, और वहाँ ताऊ जी अपना पूरा रिलैक्स मार रहा है, बिल्कुल सुट्टा मार रहा है बिल्कुल। थोड़ी सी मध्यम मध्यम धूप में धूप सेकते सेकते, और अभी बिल्कुल गाँव के बीचों बीच है। और ये ना ऊपर नीचे भी आते हैं गांव नहीं वाला, ऊपर नीचे रोड है जैसे पहाड़ों में होती है ना, जैसे वैसे ऊपर नीचे रोड है ये। अब ऊपर आ गया देखो रोड, गलियों से निकल रहे हैं गांव के बीचों बीच से अपन, तीन बंदों का पार्टनरशिप हो गई है। और अभी भी थोड़ी ठंड गई नहीं, अभी ठंड लग रही है अभी थोड़ी थोड़ी। और ऊपर देखो चंद्रमा अगर आपको दिख रहा हो तो, अभी ऊपर आ गया। अच्छा लगा ये पहाड़ वाला सीन ना। चलो फिर अपना जा रहे हैं ना, तब दिखाऊंगा। एक धूप और वो ये बोलता है ना मुझे इंडियन, मतलब भाई मैं जब पहले था ना उस टाइम तंगी रखती थी, तो हमेशा ही साइकिंग करता था हमेशा। हाँ मैं कभी पैसे नहीं देता उनको, क्योंकि पहले बोल देता मेरे पैसे नहीं है, मतलब अब तो क्या है मैं ही साइकिंग करता हूँ, मैं बिल्कुल उनको पैसे नहीं। ये देखो धूप के साथ देखो खेत कितने बड़े लग रहे हैं अभी, जैसे दिन का टाइम आ गया एक तरह से कह सकते हैं। और अभी हमारे दोनों पार्टनर आगे चला रहे हैं साइकिल के पीछे। और देखो यहाँ एक इंडस्ट्री लगी हुई शायद ये ना, बिल्कुल हम आप देख सकते हो कहाँ आ गया, अलग ही जगह में आ गया, अलग ही खेत आ गया, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा शहर कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ये अलग टाइप के खेत है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल दूर दूर तो खेत है, तो एंडलेस जो स्टार्टिंग में सुबह थे वो अलग थे। और यहाँ पे भी देखो हर जगह बीच में कहीं ना कहीं तालाब जरूर बन जाता है,
इसमें शायद भैंस गाय वाय अपना नहा ले दूंगे। और देखो सामने और खेत आ गया और ऊपर वो चंद्रमा है, सूरज भगवान पीछे हमारे, ये सूरज भगवान की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, चंद्रमा भी दिख रहे हैं साथ साथ। और ये देखो ये जो नज़ारा है, ग्रीन 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 पूरा अलग ही लेवल है। सामने सामने अपने दोनों पार्टनर और हम अकेले पूरी रोड में आराम से चिल आउट मारते हुए। ये टहना देखो कैसे टूट गया, ये इंडस्ट्री बनी हुई थी किस चीज़ की, कॉटन की शायद, पता नहीं क्या था, वो कॉटन का ढेर लगा हुआ है। सौंप एक जगह और हम हॉल्ट कर रहे हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। काफ़ी दूर चला लिया अपन ने साइकिल ना, अब हमें इस तरफ जाना है। ये देखो ये सूरज इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा धूप हो गई अभी, लगभग 10-11 बज गए होंगे अभी। इस रोड से जाना है अपन को, तो अभी यहाँ पे हम फ्रेश होंगे, रिफ्रेश होंगे,